हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो त्योहारों में मेहमानों के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह मेरे यहाँ भी मेहमान आए और हमारा बाहर जाने का प्लान था, फिर अचानक से ये हुआ कि मैंने कहा चलो घर पे ही आज बनाते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल खाना, वो भी फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल रेस्टोरेंट के तरीके से, जो हम लोग ऑर्डर करते हैं ज़्यादातर होटल्स में जाकर, वो खाना बनाया है। तो यहाँ पर बूंदी का रायता, कढ़ाई पनीर, साथ में लच्छा पराठा, गार्लिक लच्छा पराठा। देखिए कितने बढ़िया लच्छे आए हैं, और साथ ही साथ में सैलेड। तो ये सिंपल सी लंच की थाली आज मैंने तैयार की है और मेहमानों को बहुत पसंद आई है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कढ़ाई मसाला बनाने से। तो यहाँ पर जो कढ़ाई पनीर बनाने वाली हूँ, इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में लगभग 1 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। तो जितना हम यहाँ पर धनिया लेंगे, उसका आधा हम यहाँ पर जीरा लेंगे और उतना ही हम यहाँ पर सौंफ लेंगे। तो 1 टेबल स्पून लिया है, तो यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। साथ में एक साबुत लाल मिर्च मैंने इस तरीके से तोड़ के डाल दी है। तो ये मसाला ना आप बना के भी रख सकते हैं काफी दिनों तक के लिए, पर मैं फिलहाल अभी सिर्फ आज की सब्जी के लिए बना रही हूँ, बिल्कुल फ्रेश, जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और 1 टीस्पून या 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर सौंफ डाल दी है। साथ में कुछ दाने काली मिर्च के जरूर डालिएगा, जिसके कारण इस मसाले में ना एक बहुत बढ़िया सा पंच आता है। और बस इन सब मसालों को ना हमको भूनना है धीमी आंच पे। साथ ही साथ में मैंने एक हरी इलायची भी खोल के डाल दी है। अब इसमें कई लोग और भी मसाले डालते हैं, बड़ी इलायची भी डालते हैं, दालचीनी भी डालते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है, पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इस मसाले को बनाती हूँ, जिसके कारण ना बहुत ही सौंधापन, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। और यहाँ पर कढ़ाई पनीर बनाने के लिए कुछ सब्जियां ली है मैंने। तो साथ में यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं, लहसुन अदरक वगैरह लिया है। तो शिमला मिर्च मैंने 2 कलर के लिए है, एक रेड ली है, रेड बेल पेपर, और साथ में ग्रीन कैप्सिकम लिया है, तो थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा लिया है। तो अगर लाल वाली शिमला मिर्च नहीं है ना, तो अवॉइड कर सकते हैं, हरी को ही डाल दीजिए। दोनों को मैं बड़े बड़े स्क्वायर पीसेस में कट करने वाली हूँ। तो इसमें कई तरीके से सब्जियां चॉप होकर डलती हैं। और कढ़ाई पनीर ना 2 तरीके से बनता है, एक तो दरदरी से ग्रेवी वाला बनता है और एक बिल्कुल मखमली ग्रेवी वाला बनता है। तो मैं आज आपके साथ में बिल्कुल मखमली, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी का कढ़ाई पनीर शेयर करने वाली हूँ। इसी तरीके से एक प्याज भी मैंने स्क्वायर स्क्वायर पीसेस में कट कर लिया है, इसके बल्ब को अलग अलग करते हुए। तो यहाँ पर ये एक तैयारी हो चुकी है, चलिए फटाफट से मसाले की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियां छील के रखी हैं, साथ में प्याज लिया है। तो प्याज को इस तरीके से लच्छों में कट कर लेंगे, एक बड़ा प्याज लिया है, साथ में 1 इंच अदरक लिया है, इसको भी रफली चॉप कर लेंगे। और प्याज और टमाटर का रेशियो ना हमेशा सब्जी में बराबर होना चाहिए। बराबर से मेरा मतलब है जिस रेशियो में डालना है हर सब्जी में, उस हिसाब से ही प्याज टमाटर का रेशियो होना चाहिए। जैसे इसमें मैंने 1 प्याज डाला है, तो 3 टमाटर डाले हैं, तो तीनों टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया है। तब तक बिल्कुल धीमी आंच में यहाँ पर ये देखिए मसाला बढ़िया हो चुका है, भुन चुका है। इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, साथ में अभी कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो तेल अभी मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ बिल्कुल 1 टेबल स्पून, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें बैचेस में ऑयल को ऐड करना है। 1 टेबल स्पून से भी काफी कम ही था एक्चुअली, बिल्कुल थोड़ा सा ही मैंने डाला है। इसको स्प्रेड कर देंगे पूरी कढ़ाई में। और इसमें सबसे पहले डालने वाली हूँ यहाँ पर ये जो स्क्वायर पीसेस में हमने कैप्सिकम और अनियन को कट किया था, और बिल्कुल हाई फ्लेम पर इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो कभी कभी कई लोग ये कच्चा भी डाल देते हैं मसाले के साथ में भूनते हुए, पर मैं इसको ना हल्का सा रोस्ट करके डालती हूँ, जिससे ना सब्जी में बहुत बढ़िया सौंधापन आता है। और हाई फ्लेम पे कीजिएगा ताकि इसका ना बढ़िया सा हल्का सा क्रंच रहे। तो ये देखिए हल्की सी रोस्ट हो चुकी है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट मैंने इसको रोस्ट कर लिया है। अब 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने फिर से डाला, ऑयल के गर्म होते साथ ही 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, जीरे को तड़कने देंगे और लहसुन अदरक की कलियां इसमें डाल देंगे। अभी ये सारा काम अभी हम हाई फ्लेम पे करेंगे, हल्का सा इन दोनों को रोस्ट करेंगे, अदरक और लहसुन को, और साथ में प्याज को खोलते हुए हम डाल देंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से लच्छों में कट किया था, पर रफली चॉप किया था, मोटे मोटे लच्छे हैं। हाई फ्लेम पर थोड़ा सा मैंने इसको लगभग 1.5 से 2 मिनट प्याज को भून लिया है, इसका कच्चापन हल्का सा चला गया है। अब यहाँ पर मैंने ली है इसकी धनिया पत्ती की डंठल, जिसके कारण ना इसका टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे हो जाता है। तो अगर है ना तो जरूर डालिएगा। और साथ ही साथ में टमाटर डाल दिया और लगभग 8 से 10 काजू डाल दिए हैं।
काजू ना सिर्फ सब्जी के रिचनेस बढ़ाने के लिए डालें, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे इन सारी चीजों को भून लिया, नमक डाल दिया, नमक एक्चुअली टमाटर डालने के साथ ही साथ डाल दीजिएगा, मैं उस टाइम में भूल गई थी तो मैंने अभी ऐड किया है। और बस हाई फ्लेम पे इसको मैंने 2-3 मिनट और भून लिया है। अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि बाकी सारी चीजें ना फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। तो आधा ग्लास या 1/4 ग्लास करीब आप इसमें पानी डाल दीजिए और पानी डाल के अब इसको ना पकने देंगे, जिससे कि सारी चीजें सॉफ्ट हो जाएंगी तो पीसने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि पीसने के समय तो हमें पानी डालना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको ढक दिया है, अब ये सॉफ्ट होगा। जब तक चलिए फटाफट से आटा लगाते हैं हम नान बनाने के लिए, माफ कीजिएगा, लच्छा पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ पर आधा कप दही लिया है, उसमें 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है और सभी चीजों को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। तो एक साथ फेंटने से क्या होगा ना कि बहुत अच्छा स्मूथ सा ये मिश्रण बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप मैदा। बेसिकली लच्छा पराठा जो होता है ना सिर्फ मैदा का बनता है, पर मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा लिया है। तो आप चाहे तो पूरे मैदा का बना सकते हैं, आप चाहे तो पूरे गेहूं के आटे का बना सकते हैं, मैंने हाफ हाफ लिया है। और अब जिस कप से हमने दही को मेजर किया था उस कप में काफी दही लगा था, तो उसमें मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया आटा गूंथने के लिए। पहले सारी चीजों को अच्छे से मिक्स किया, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। पर ध्यान दीजिएगा अभी गर्मी के दिन है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी मत लगाइएगा, वरना ये आटा ना एकदम से ढल सा जाता है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नरम पड़ जाता है। तो मैंने इस तरीके का आटा लगा लिया है यहाँ पर और अच्छे से स्मूथ कर लिया है, और इसको ढक के एक साइड में रख देंगे। कम से कम इसको ना 20-25 मिनट के लिए रेस्ट देना जरूरी है, तभी बहुत अच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। तब तक यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से मसाला सॉफ्ट हो चुका है, पानी लगभग लगभग खत्म हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है बस। अब इसको हम ठंडा होने रख देंगे और गैस को ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर ये खरल मैंने लिया है, जब तक हमारा ये मसाला जो कढ़ाई मसाला था वो ठंडा हो चुका है, इसको हम बिल्कुल दरदरा सा क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडिंग जार में डाल के भी इसको दरदरा पीस सकते हैं, पर फाइन पाउडर ना बनाइएगा वरना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो दरदरा सा मैंने इसको कूट लिया, अगर ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं ना तो मिक्सी में डाल के दरदरा सा पीस लीजिए। तो ये हमारा मसाला कढ़ाई मसाला बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर दही लिया है, इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चीनी डाल के अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आप चाहे तो विस्कर से भी फेंट सकते हैं, पर मैंने चम्मच से ही फेंट लिया ताकि थोड़े से दही के दाने रहें। और यहाँ पर मैंने ली है ये बूंदी, तो बूंदी को मैंने गर्म पानी से वॉश कर लिया है जिससे कि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और जो भी कसैलापन पुराने ऑयल का वगैरह मार्केट के बूंदी में रहता है वो सारा निकल जाए, और बूंदी को इसमें डाल दिया है। तो मैं बनाने वाली हूँ इससे आज बूंदी का रायता, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थाली बना रहे हैं, तो आप जो भी रायता खाते हैं या जो पसंद करते हैं वो बना सकते हैं। तो मैंने रायते को ना मिक्स करके फ्रिज में रख दिया है ताकि खट्टा ना हो, क्योंकि अभी भी बहुत गर्मी पड़ रही है, और इसको थोड़ी देर में हम बघार लगा लेंगे। साथ में प्याज टमाटर कट कर लिए हैं सैलेड के लिए, हरी मिर्च रख दी है, ऊपर से धनिया पत्ती डाल दी है, लास्ट में सर्व करते समय अगर आप चाहें तो इसमें नींबू और नमक डाल सकते हैं। तो तब तक ये मसाला भी ठंडा हो चुका है, इसको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। कढ़ाई में जितना साइड में से मसाला लगा हुआ है थोड़ा सा 1/4 कप पानी डाल के हिला के से उसको जार में ही डाल देंगे और बिल्कुल महीन सा पेस्ट बना लेंगे इसका। ये देखिए बिल्कुल महीन इसको पीस लेना है, तभी ये मखमली सिल्की सी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। और ये मैंने बनाया है लगभग 2.5 लीटर दूध का फुल फैट मिल्क का घर पर पनीर। तो ये मैं बहुत बार आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, तो आप उन वीडियोस को जरूर जाके देखिएगा दोस्तों, बहुत आसानी से घर पे पनीर बन जाता है। तो ये पनीर मैंने कट कर लिया है और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका कितना शानदार स्पॉन्ज आया है। और अगर आपका मार्केट का पनीर है ना तो उसको थोड़ा सा शैलो फ्राई करके गर्म पानी में डुबो के रखिएगा, उसके बाद उसको इस्तेमाल कीजिएगा। पर मेरा फ्रेश पनीर है तो मैं इसको डायरेक्टली सब्जी में डालूंगी। तो पनीर भी एक तरफ तैयार हो चुका है और अब एक और तैयारी हम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बटर लिया है लगभग 1/4 से 1/2 कप लगभग, हल्का सा इसको मेल्ट कर लिया है, एक कटोरी में डालेंगे। इसमें कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे, साथ में आप फ्रेश गार्लिक चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर ये रोस्टेड गार्लिक आजकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो मैंने 2 चम्मच ना ये रोस्टेड गार्लिक ही डाल दिया है, जो चाइनीज रेसिपीज में पड़ता है, बहुत टेस्टी लगता है गाइस, जिसके कारण ना ये लच्छा पराठा भी बहुत अच्छा लगता है।
आजकल हर ग्रोसरी शॉप में मिल जाता है, तो ये हमने बना लिया है। अब इसमें बघार लगा लेते हैं। तो 1 चम्मच तेल को गरम करके इसमें थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आधा चम्मच हींग डालेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने 1 साबुत लाल मिर्च कट करके रखी है और थोड़े से करी पत्ता डाल देंगे। तो इसका बघार ना रायते में बहुत अच्छा लगता है। और बघार लगाते साथ ही फटाफट से ढक्कन को लगा दीजिए ताकि सारे फ्लेवर्स अंदर रहें। और 1 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा शानदार तड़के वाला बूंदी का रायता बनकर तैयार हो चुका है। अब मैंने सेम कढ़ाई ली है, तो हमें सब्जी ही बनाना है तो मैंने सेम कढ़ाई ली है। अगर आप कढ़ाई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसमें अब डालेंगे लगभग 1.5 से 2 चम्मच तेल, रिफाइंड ऑयल डालेंगे, ऑयल को हम गर्म होने देंगे और साथ ही साथ में डालेंगे आधा चम्मच जीरा और जीरे को अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच भर के, जिससे कि बहुत अच्छा कलर आए। तो यहाँ पर पूरा 1 बड़ा चम्मच मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर का डाला है। और इमीडिएट यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आंच को बिल्कुल स्लो रखेंगे, मसाले जलने बिल्कुल नहीं चाहिए। और इमीडिएट हम इसमें डाल देंगे हमारा जो पिसा हुआ मसाला था वो, और पानी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पानी अगर हम डालेंगे ना तो फिर उसको वापस से हमको सुखाना पड़ेगा। तो बिल्कुल लगभग 3 से 4 चम्मच मैंने पानी जार में डाला है, जिससे कि जार में साइड्स में जितना भी लगा हुआ है ना वो सारा का सारा मसाला निकल जाए। और सारा मसाला मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और बस अब इस मसाले को ना बहुत ज्यादा भूनने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छे से हमने पहले ही भून लिया था ना प्याज टमाटर सारी चीजों को। तो बस इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कुक करना है 2 से 3 मिनट तक। तो सब चीजों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसके बाद इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज और कैप्सिकम को भून के रखा था। सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम इसको ढक देंगे ताकि मसाला फटाफट से भून जाए। फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखेंगे। लगभग 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला, तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है और कलर भी इसका अच्छा आता चला जा रहा है। जैसे जैसे और भूनता जाएगा ना इसका कलर और अच्छा आता जाएगा। तो अब इस स्टेज में मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के दही। तो दही ना फ्रेश होना चाहिए और खट्टा नहीं होना चाहिए। आंच को बिल्कुल धीमा करके डालिए या बंद करके डालिए वरना दही फट सकता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाली है, साथ ही साथ में आधा चम्मच गरम मसाले डालेंगे जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सभी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा पनीर की ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसमें पनीर के क्यूब्स डाल देंगे, हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, बिल्कुल फ्रेश पनीर है। और उसके बाद बस इसमें डालने वाले हैं पानी। तो पानी एक्चुअली इस सब्जी में बहुत ज्यादा नहीं जाता है क्योंकि ये बिल्कुल थिक सी ग्रेवी होती है। तो पहले मैंने ना आधा कप माफ कीजिएगा आधा ग्लास पानी डाला, अच्छे से मिक्स किया। पर क्या है ना कि इसमें जो मसाला है प्याज का ना वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाला। लगभग समझ लीजिए 3/4 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसी स्टेज में आप नमक को भी बैलेंस कर लीजिएगा कि नमक कम है या ज्यादा। तो इस स्टेज में नमक को बैलेंस करके डाल दीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा और ढक्कन को लगा दिया। इसको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। तो लगभग 3 मिनट के बाद देखिए ढक्कन को खोला, कितना शानदार कलर आया है। ये हमारी बनकर तैयार हो चुकी है कढ़ाई पनीर। पर अभी ये इनकम्प्लीट है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ कि क्यों इनकम्प्लीट है। कलर आप देखिए, टेक्सचर आप देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रही है कि नहीं लग रही है। पर अभी एक कमी है, वो है इसमें कढ़ाई मसाला। तो सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे जितना हमने कढ़ाई मसाला बनाया था वो, पर उसके पहले यहाँ पर कटी हुई धनिया पत्ती मैं डाल रही हूँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूंगी और सबसे एंड में कढ़ाई मसाले को डालेंगे। तो लगभग 1.5 चम्मच कढ़ाई मसाला बनकर तैयार हुआ है, 1.5 टेबल स्पून, उसको मैं यहाँ पर एंड में डाल दे रही हूँ। मैं आपको यहाँ पर पास से दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा टेक्सचर आया है पनीर का। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है 1.5 चम्मच कढ़ाई मसाला। और ये मसाला ना इतना टेस्टी होता है कि आप दम आलू वगैरह मतलब किसी भी अच्छी ग्रेवी वाली सब्जी में भी डाल सकते हैं। बहुत फ्लेवरफुल, बहुत टेस्टी ये मसाला बनकर तैयार होता है। तो ये हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट होटल स्टाइल कढ़ाई पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल शानदार मखमली ग्रेवी वाली। एक साइड में रखेंगे उसको, तब तक हमारा आटा भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। और इसको एक बार हल्का सा और गूंथ लेंगे। और जो हम गार्लिक लच्छा पराठा बना रहे हैं ना वो थोड़ा सा थिक होता है, इसकी जो लोई कट करेंगे ना थोड़ी सी बड़ी साइज की करेंगे। जो हम लोग नॉर्मल पराठा या रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी साइज की कट की है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल गेहूं के आटे की बनाइए, पर मैंने इसमें हाफ गेहूं और हाफ मैदा मिक्स किया है।
और इसके बाद इसको थोड़ा सा बर्तन लगाते हुए अच्छी बड़ी बेल लेंगे, मतलब जितनी बड़ी बेल सकते हैं ना। तो मैं तो चकले पे बना रही हूँ, तो मैं चकले की साइज की ही बेल रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं तो आप जितना बड़ा बना सकते हैं ना उतना बड़ा बनाइए। तो मैंने पूरी चकले की साइज की बेल ली है। अब हमने जो यहाँ पर बटर का घोल बोलेंगे या मिश्रण बोलेंगे वो तैयार किया था, तो लगभग इसको 1 चम्मच यहाँ पर मैंने फैला लिया है। अच्छे तरीके से ब्रश से फैला लेंगे, चाहे फिंगर से फैला लीजिए, जिससे भी है बहुत अच्छे से फैला लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर आटे को डस्ट करेंगे जिससे कि इसके लेयर्स बहुत अच्छे तरीके से उभर के आए। अब ये इस तरीके से फोल्ड करते हुए जैसे फैन बनाते, पेपर फैन बनाते हैं, उस तरीके से हम फोल्ड करते चले जाएंगे। और बस ये हमारा लच्छा पराठे की लोई तैयार होती चली जा रही है। बहुत सबसे इजीएस्ट मेथड है ये लच्छा पराठा बनाने का। ये मैंने आपको पहले भी बताया है पिछली रेसिपी में भी कि इस तरीके से सबसे आसानी से लच्छा पराठा बनकर तैयार होता है। तो जल्दीबाजी है ना, तो फटाफट से ये बनता है। और आजकल तो वही मैंने बताया कि गार्लिक छीलने की भी जरूरत नहीं है, गार्लिक के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, पाउडर नहीं, ये ग्रैन्यूल्स होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्टी होते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्ट वगैरह भी पड़ा होता है और रोस्टेड रहते हैं। और बस थोड़ा सा बर्तन लगाते हुए ये हमारी लोई बनकर तैयार हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर ये इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा मोटा मोटा सही रहता है, तभी इसके लेयर्स बहुत परफेक्ट बनती हैं। और आप चाहें तो 2-4 एक साथ बना के रख सकते हैं, अगर ज्यादा लोग आए हुए हैं ना तो आप 2, 4, 6, 8 बना के रख सकते हैं और इसको एक साथ सेक सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर अभी फिलहाल एक बनाया है, उसके बाद फटाफट से दूसरा लच्छा पराठा भी मैंने बेल लिया था, इसमें भी मिश्रण लगा लिया है। फटाफट से इसको भी फोल्ड करते हुए इसकी लोई तैयार करेंगे और इसको बेल लेंगे। तो अगर ज्यादा मेंबर है ना तो आप एक खट्टे एक साथ बेल के रख लीजिए 8-10, और उसके बाद जब तक दूसरी बेलेंगे तब तक इनको एक तरफ सेकते जाइए। तो बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाती है इस तरीके की थाली। और बस पनीर पहले से होना चाहिए, अगर आपके पास में कढ़ाई पनीर के लिए, पनीर बनाने के लिए दूध नहीं है या मतलब टाइम लग रहा है तो आप पनीर मार्केट से बुला सकते हैं, पर अगर घर में दूध है ना तो बहुत आसानी से दूध से पनीर बना सकते हैं। तो ये हमारे 2 लच्छा पराठा बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको फटाफट से सेक लेंगे। तो मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, तवा चढ़ा सकते हैं, जो भी चढ़ाना चाहते हैं ना उसमें आप इसको सेक सकते हैं। तो मैंने गर्म कर लिया पैन को और इसमें ये पराठा डाल दिया है, एक तरफ से सेकेंगे, पलट देंगे, और पलटने के बाद में इसमें थोड़ा सा बटर लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं या घी लगाना चाहे, और अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने काफी अंदर बटर लगाया हुआ है। हेल्थ वाइज अगर आप इसको बटर को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा लगाया है। और ये देखिए दोनों पलटते पलटते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर मैंने बढ़िया सा सेक लिया है, पर ध्यान दीजिएगा तेज आंच में ना सेकिएगा वरना ये अंदर से ना कच्चा रह जाएगा। बस दूसरा पराठा भी मैंने डाल दिया है, इसको भी अलटते पलटते हुए बटर लगाते हुए दोनों तरफ से सेक लेंगे। और चलिए फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सर्व किया है यहाँ पर बूंदी का शानदार रायता तड़के वाला, और इसके बाद यहाँ पर कढ़ाई पनीर मखमली ग्रेवी वाली, बहुत टेस्टी लगती है, बिल्कुल हटके स्पाइसी सा टेस्ट होता है इसका, जो नॉर्मल पनीर हम लोग खाते हैं ना उससे बहुत अच्छी लगती है ये पनीर की सब्जी, साथ में सैलड और लच्छा पराठा। तो ये है आज की मेरी लंच की थाली जो मेरे गेस्ट को बहुत पसंद आई है, इतनी पसंद आई है कि उन्होंने तो जाने से इनकार कर दिया है कि बोले भाई हम तो यही डेरा जमाते हैं, हमें तो कहीं जाना ही नहीं है। बहुत टेस्टी बनी थी ये थाली। और चलिए मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ, क्योंकि मैंने सभी को खिला खिला दिया है, अब एंड में मैंने मेरी थाली लगाई है तो वो आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और देखिए पनीर भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी बनी थी। तो इन त्योहारों पे इस थाली को जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आई हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।